ही रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में चाची और भतीजे की मौत, 4 गंभीर घायल। ई रिक्शा को आधा किलोमीटर तक ट्रक ने घसीटा। रिपोर्टर तौकीर अहमद चरखारी, महोबा। महोबा में ई रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 6 लोग सड़क हादसे की चपेट में आ गए। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ई रिक्शा में सवार चाची और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुई है। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक ई रिक्शा को आधा किलोमीटर तक घसीटता ले गया। सूचना के बाद भी पुलिस और एम्बुलेंस 1 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। वहीं सभी 4 घायलों को हालत गंभीर देख जिला अस्पताल से हायर सेंटर राफर किया गया है। दर्दनाक सड़क हादसा जनपद के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बरा नाला स्थित कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों को टक्कर मारी है, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि बरा गांव निवासी 42 वर्षीय रामाश्रय मथुरा में मजदूरी के लिए अपने पूरे परिवार के साथ घर से निकला था। मथुरा जाने के लिए 25 वर्षीय अपने भतीजे सुरेंद्र के ही रिक्शा में बैठकर रामाश्रय उसकी 39 वर्षीय पत्नी कमलेश, 17 वर्षीय पुत्री रोशनी, 15 वर्षीय पुत्र हेमंत और 13 वर्षीय पुत्र पुनीत को लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही गांव से बाहर निकला तो बरा नाले के पास हाईवे में तेज रफ्तार ट्रक ने ही रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद ट्रक ने ही रिक्शा फंसा हुआ आधा किलोमीटर तक घसीटता चला गया। आसपास मौजूद इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बामुश्किल ट्रक को रोका, जिसके बाद आरोपी चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। भीषण सड़क हादसा देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन आरोप है कि 1 घंटा से अधिक देरी के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इसी लापरवाही के चलते रामाश्रय की पत्नी कमलेश और उसके भतीजे सुरेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी वार्ड में सभी का प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन इस हादसे में रामाश्रय उसकी पुत्री रोशनी और पुत्र हेमंत की हालत नाजुक देख डॉक्टर ने सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत होने की सूचना पर पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीण और परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस के देरी से आने के चलते समय से घायल अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस हादसे की अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है और आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रिक्शा पे चले 6 लोग, ठीक जी, बड़ा स्टैंड के आगे ट्रक वाले ने सामने सामने टक्कर मार दी, जो कि रिक्शा अपनी साइड से चल रहा था, ठीक है, और आधा कम से कम नहीं तो 400 मीटर रिक्शा को खींचते चला गया ट्रक वाला। जब एक को जब वहाँ देखा हाल, पुलिस भी आई तो उनको अस्पताल ले आ गया। 2 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, 1 को महोबा हॉस्पिटल में भर्ती है, 3 को झांसी रेफर कर दिया। कहाँ जा रहे थे ये पूरा परिवार? ये साहब दिल्ली जा रहे थे कमाने खाने के लिए, घर से बहुत गरीब थे। दिल्ली जा रहे थे या मथुरा? मथुरा। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। कैसा माहौल है गांव का इस समय जब ऐसी घटना हो गई इतनी बड़ी? उस समय साहब घटना तो बहुत ज़बरदस्त हुई, हमको तो कुछ देखा नहीं गया, हालत हमारी ख़राब हो गई तो हम तो साहब नीचे मुँह करके एक साइड बैठ गए, और बकाया पुलिस वाले जान सकते हैं, देख सकते हैं, और भी लोग आ गए थे, लेकिन हम लोगों को देखा नहीं गया, हम एक साइड बैठ गए। सर, कई घायलों को यहाँ लाया गया है जिला अस्पताल में, क्या कुछ मामला है? हाँ, अभी करीब 5 लोगों को लाया गया था, 5-6 लोगों को। दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है, ई रिक्शा और ट्रक के टक्कर से, जिसमें 2 लोगों को मृत घोषित किया गया है, 3 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, एक लड़का है उसको यहीं भर्ती कर लिया गया। हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए इनको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा।